हेलो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आज जो मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि आप यूज़ भी करते होंगे, जिसका नाम शेयरइट है। आप मेरे डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे कि मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके अपने लैपटॉप में, जो मेरा मोबाइल है HTC डिज़ायर, यहाँ पर मेरा मोबाइल का नाम भी आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊँगा आपको कि आप स्क्रीन को कैसे शेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, मोबाइल के स्क्रीन को आप अपने लैपटॉप पे। आज मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि शेयरइट के थ्रू आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके, मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करके शेयरइट के थ्रू किसी भी चीज़ में, जैसे आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में है, किसी मीटिंग में है, आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करें, अपने PPT को प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपको एक प्रेजेंटेशन को, स्लाइड को आप एक दिखा रहे हैं, दूसरा प्रेजेंटेशन आपको दिखाने के लिए बार बार लैपटॉप पर जाना पड़ेगा और उसे रिमोटली फिर आगे पीछे करना होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना पड़ेगा, या फिर आपके पास एक बहुत ही महंगा डिवाइस आता है जो इससे कि आप उसे आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपने मोबाइल के थ्रू आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, छोटा सा शेयरइट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो मैं कृष्णा राजपूत, IT प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की तरफ से मैं इस वीडियो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा मोबाइल है, जो स्क्रीन है मेरे लैपटॉप पे आपको देख सकते हैं, और ये मेरा जो लैपटॉप में इंस्टॉल है शेयरइट, वो है जो अभी खोला है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जब शेयरइट हम यूज़ करते हैं तो दोनों के शेयरइट को, एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन ओपन करने के साथ ही जैसे आप लैपटॉप में खोलेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, और मोबाइल में खोलेंगे तो मोबाइल में इस तरह का आपको दिखेगा, दोनों इंटरफेस आपके सामने है। सबसे पहले मैं कनेक्ट करने के लिए बताता हूँ आपको। सबसे पहले इस चीज़ के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, आपका इंटरनेट जो है कनेक्शन लैपटॉप का और मोबाइल का, वो दोनों एक ही चीज़ से होना चाहिए, एक ही इंटरनेट कनेक्शन। जैसे आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वही वाईफाई आपके मोबाइल में भी कनेक्ट होना चाहिए, उसी वाईफाई से हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं तो, और वही आपका लैपटॉप से भी कनेक्ट होना चाहिए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को आप यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सेंड इट पे आपको क्लिक करना होता है। जब भी शेयरइट यूज़ करते हैं किसी चीज़ को सेंड करने के लिए, या फिर किसी को रिक्वेस्ट ऐड करने के लिए, आपको सेंड या आपको किसी पे रिसीव पे ऐड करना होता है। हम यहाँ से मोबाइल से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें ये जो वीडियो है इसमें से मैं एक वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने इस वीडियो को सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं इस वीडियो को मैं क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ। सेंड करने के लिए आपको दो ऑप्शन आएंगे, कनेक्ट टू iOS, विंडो पे आपको कनेक्ट करना है, iOS पे कनेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। यदि आपको कनेक्ट टू PC करना है, लैपटॉप से डेस्कटॉप से कनेक्ट करना है, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है कनेक्ट टू PC, और यहाँ पे जा करके न्यू कनेक्शन वे मोर फंक्शन वेट फॉर, यहाँ पे गो करेंगे। जैसे गो करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके PC का नाम सर्च होके आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मेरा लैपटॉप का नाम आ रहा है कृष्णा राजपूत, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, मैंने सेलेक्ट कर दिया, और जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आया है कि आप शेयरइट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो IT प्रोग्रामिंग वर्ल्ड 5 के कनेक्शन रिक्वेस्ट है, मैंने कर दिया एक्सेप्ट। अब देखिए मेरे पास वो वीडियो जो है वो यहाँ पे आने लग गया। देखिए वीडियो आ रहा है, यहाँ से सेंड हो रहा है, यहाँ पे रिसीव हो रहा है। देखिए वीडियो आ गया है मेरे पास। ठीक है, अब इसी में आपको कुछ यहाँ पे फंक्शंस दिख रहे हैं, फाइल्स दिख रहा है, PPT कंट्रोल दिख रहा है आपको, रिमोट व्यू दिख रहा है। अब रिमोटली व्यू में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से आएगा एक एक्सेप्ट करने के लिए, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। लोकल फाइल्स को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिमोट, जैसे मेरा ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो भी फीचर्स है, कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स उसको मैं इसमें रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि ये देखिए कितने ड्राइव है मेरे पास, ई ड्राइव है, ई एफ ड्राइव है, न्यू ड्राइव है, ये सारा चीज़ को मैं रिमोटली, जैसे मैं एफ ड्राइव खोलता हूँ इसमें क्या क्या फोल्डर्स है सब चीज़ को मैं देख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें से आपको माई फेवरेट म्यूजिक, फोटोज, फोटोज में जाएंगे तो यहाँ से आपको फोटोज दिख जाएगा,
ये आपने देखा रिमोटली व्यू में। अब प्ले टू में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको जो इमेजेस है, जो इमेज है वो आपको यहाँ से प्ले होने लगेगा। जैसे मेरे पास मोबाइल में कुछ भी इमेज है वो मैं लैपटॉप में दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको कुछ इमेज दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने गैलरी में जाता हूँ। देखिए मैं अपने गैलरी में जा रहा हूँ, गैलरी में गया और ये इमेज है जिसको मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें मुझे सब बैक जाना पड़ेगा, एडिट में गए, मैं यहीं से जाता हूँ, कैमरा में गया। अब जैसे मुझे इमेज दिखाना है तो इमेज देखिए कैसे आएगा, मैं यहाँ अपने मोबाइल में इसको कर रहा हूँ और वो लैपटॉप में इमेज आपको दिख रहा है। देखिए ये इमेज आपको दिख रहे हैं। जैसे जैसे आप मोबाइल से आप इमेज को स्लाइड करेंगे वो आपको लैपटॉप में दिख जाएगा। नेक्स्ट फीचर आपको इसमें बताना चाहूंगा, तो आपको दो फीचर के बारे में पता चल गया। बैकअप फोटो, आपको यदि फोटो का बैकअप रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। बैकअप के लिए आपको कैमरा फोटो तो पीसी, पीसी में यदि रखना है मोबाइल से तो वो आप रख सकते हैं। तो मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ, यहाँ से बैकअप रख सकते हैं, आपको पता होगा। अब आपको आता है पीपीटी कंट्रोल। पीपीटी कंट्रोल कैसे करना है, सपोज आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है जिसको आपको कंट्रोल करना है मोबाइल के थ्रू। मेरे पास कुछ पीपीटी है जिसको, जिसके बारे में आपको दिखाता हूँ, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। डॉक्यूमेंट में गए, जैसे मेरे पास ये पीपीटी है, मैंने इसे ओपन किया है, ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आप देख सकते हैं। ओपन किया और मैं अपने मोबाइल के इंटरफेस पे जाता हूँ। इंटरफेस पे है हम और पीपीटी को मैंने ओपन किया है। अब जैसे मैं यहाँ से इस चीज को, स्क्रीन को मैं मोबाइल के इंटरफेस पे आपको दिखेगा, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि कैसे हम पीपीटी को हम नेक्स्ट कर सकते हैं। अब इसे मैं यदि स्लाइड शो करूंगा तो ये फुल स्क्रीन में आएगा। ठीक है,